नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेवंथ हाउस के लॉर्ड अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठ जाएं तो वो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे, कौन से फल आपको मिलेंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों। तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी जरूर लाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपने कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, सप्तम भाव कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये लगन से सप्तम होता है। ये हमारे वैवाहिक जीवन की जानकारी हमें देता है, हमारे जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा आपके व्यापार, व्यापारिक साझेदारी की जानकारी देता है। दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, दुनिया आपसे किस प्रकार से जुड़ेगी, तो ये सब हमें सप्तम भाव से पता चलता है। अब देखिए, सप्तम भाव के मालिक अगर फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव हमारे कुंडली में होता है हमारे सुखों का, सुख सुविधाओं का, हमारे खुद के घर का, माता के लिए भी चतुर्थ भाव का विचार किया जाता है। अब चतुर्थ भाव में बैठेंगे सेवंथ लॉर्ड तो देखिए, उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छी कंडीशन है एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड होंगे तो आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखेंगे, वो आपको बहुत चाहेंगे, यानी आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करेंगे, आपके ऊपर समर्पित रहेंगे वो। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो आपके लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर हो सकते हैं, सुशील होंगे, संस्कारी होंगे। अगर आपकी पत्नी होगी तो वो बहुत अच्छी गृहिणी साबित होगी, घर परिवार का पूरा ख्याल रखेगी, एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगी। इसके साथ ही दर्शकों देखा जाए तो आपके परिवार में खुशियां आएगी आपके विवाह के बाद में। आपके विवाह होने के बाद आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुश कोई ना कोई अच्छी घटनाएं घटेगी जिसके कारण खुशियां आपके परिवार में आएगी। तो बहुत अच्छी कंडीशन है सेवंथ हाउस के लॉर्ड का चतुर्थ भाव में बैठने पर। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी भी संभावना बन जाती है कि आपका विवाह मन मुताबिक हो सकता है, आपकी पसंद से आपका विवाह हो सकता है, कई बार प्रेम विवाह भी इसमें होने की संभावना रहती है। इसके बाद दर्शकों देखें तो आपके लाइफ पार्टनर से आपको कई बार धन भी मिलता है विवाह के बाद। वो हो सकता है वो काम काजी करें कुछ ना कुछ, तो उनके द्वारा आपको आर्थिक स्थिति में भी मजबूती प्रदान मिल सकती है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो आपकी वाइफ वर्किंग वीमेन हो सकती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि यहाँ पर वो आपको आर्थिक मदद भी कर सकती है और आपका हाथ भी बटा सकती है, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। आगे दर्शकों देखा जाए तो बहुत ही खुशमिजाज इंसान होते हैं ऐसे लोग जिनका सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, काफ़ी ज़्यादा मनमौजी होते हैं, सबके देखभाल करने वाले होते हैं, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ऐसे लोग। आपके लाइफ पार्टनर आपके परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। इसके बाद दर्शकों देखें तो आपकी पत्नी अगर देखिए, अगर मर्दों के लिए देखा जाए तो आपकी पत्नी घर कामों में बहुत निपुण होगी, एक तरह से पूरे घर के रीति रिवाज सबको वो बखूबी निभाएगी, ऐसी बहुत अच्छी स्थिति ये आपकी कुंडली में बन रही है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो सेवंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में हो तो विवाह के बाद आपके सुखों में वृद्धि होती है, मतलब आप अपने करियर में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, आप कोई नया घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, यानी कोई ना कोई सुख सुविधाएं आपकी बढ़ने वाली होती है विवाह के बाद में, यानी विवाह के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की। इसके बाद दर्शकों देखें तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आप व्यापार भी कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये, आपके जीवन साथी के साथ मिलकर कोई ना कोई बड़ा काम कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। इसके बाद दर्शकों देखें तो ऐसे व्यक्ति अपने घर पर ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, जिनकी कुंडली में सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है वो खुद के घर में रहना एंजॉय करते हैं, परिवार के साथ खुशियां बांटना काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। ये खुद केयरिंग नेचर के होते हैं, इमोशनल होते हैं और इनके लाइफ पार्टनर भी उनको ऐसे ही मिलते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित इंसान इनको मिलते हैं। तो आपके लिए कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति है अगर आपकी कुंडली में सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो, ये सब अच्छाइयाँ आपको देखने को मिलेगी। वहीं दर्शकों अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के सेवंथ लॉर्ड कमजोर अवस्था में फोर्थ हाउस में बैठे हैं, यानी या तो वो अंश बल में कमजोर हैं या फिर कहीं ना कहीं नीच राशि में बैठे हैं, पापी ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो थोड़े बहुत नुकसान भी हो सकते हैं आपको। अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा भाव किस चीज़ को दिखाता है, सुखों को दिखाता है, आनंद को दिखाता है। सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होंगे तो आपकी डिज़ायर कुछ सेक्सुअल ज़्यादा हो सकती है, आप सेक्सुअल
प्लेजर के पीछे ज़्यादा आपका मन भटक सकता है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि कई बार आप जीवन साथी के प्रति वफादार ना रहें, या हो सकता है कि आपका मन डोलने लगे बाहरी इन सब संबंधों की ओर। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, आप जीवन साथी के प्रति समर्पित रहिए। एक तरह से अति हर चीज़ की खराब होती है, सेक्सुअल प्लेजर की तरफ आपको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अन्यथा फिर आपको वैवाहिक जीवन में कष्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दर्शकों को देखा जाए तो कई बार सुखों का व्यक्ति आदि हो जाता है जब सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में कमजोर बैठे हों, तो ऐसे में स्थिति ऐसी देखने को मिलती है कि व्यक्ति जो काम उसे कर लेने चाहिए वो टालने लगता है, कई बार आलसी हो जाता है, तो ये चीजें भी देखने को मिलती है। इसमें देखिए, सेवंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में कमजोर होंगे तो कई बार आपकी पत्नी को आपकी सास के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। आपकी पत्नी और आपकी सास मतलब आपकी माँ के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद रह सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। सास बहू की तकरार देखी जा सकती है अगर सेवंथ लॉर्ड कमजोर स्थिति में फोर्थ हाउस में बैठे हों, तो ये दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी कुंडली को बारीकी से देखिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। ऑल ओवर देखा जाए दर्शकों, तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के बाद सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, एक तरह से एक अच्छे जीवन साथी मिलने के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन है। जो हमने नुकसान बताए हैं वो तब होंगे जब कुंडली में सप्तमेश कमजोर हो, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर रहेगा। आपको पूर्ण रूप से प्रेम करने वाले समर्पित जीवन साथी मिलेंगे, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो आपसे बहुत प्रेम करेंगे और आपके साथ पूरे जीवन में सहयोग करेंगे। तो ये अच्छे रिलेशनशिप को दर्शाता है सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आपकी कुंडली को लेकर, आपके जीवन को लेकर, तो वो हमारे से आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबरों पे संपर्क करके अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दर्शकों कि कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं, इसमें निर्धारित शुल्क होता है। अब और दर्शकों, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।